हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों हम आपके सामने लाए हैं MCQs जो रिलेटेड है दोस्तों इन्वायरमेंट से, ठीक है, या पर्यावरण से। तो दोस्तों पेपर 1 का ये MCQ होगा आज, ठीक है। पेपर 1 का जो इन्वायरमेंट टॉपिक है दोस्तों, इन्वायरमेंट आजकल ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है कि हर कॉम्पिटिटिव, हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको इन्वायरमेंट से ना दिखे तो ऐसा हो नहीं सकता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों इन्वायरमेंट काफ़ी एक ब्रॉड एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है। इसमें समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ठीक है। तो इसमें इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs का आपको कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs आपको हमेशा इसके सॉल्व करते रहना चाहिए, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो जो लगे वो याद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट है दोस्तों, इसका ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक लिमिट अपने आप को एक लिमिट करें कि मुझे फॉर एग्जाम्पल आप 10 पेज 20 पेज का नोट्स बनाए, तो आपको उस कम से कम एटलीस्ट उस 10 20 पेज के अंदर आपको कमांड रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसी सब के साथ आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले बार प्रीवियस ईयर पूछा गया है कि व्हेन वाज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, अर्ध न्यायिक संस्था है। क्वाजी जुडिशियल, वो ये क्वाजी जुडिशियल उसे कहते हैं जो पार्शियली जुडिशियल हो और पार्शियली एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ठीक है। यानी पार्शियली उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो न्यायिक संस्था का लक्षण दिखते हैं और पार्शियली एक प्रशासनिक संस्था का कुछ लक्षण दिखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा हर क्वेश्चन में डीप तो डिस्कस हम नहीं कर सकते, तो इसका आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2010, ठीक है। दोस्तों लास्ट में आप ये भी बताइएगा कि आप लोगों से कितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो पाता है, ठीक है, ये भी बताइएगा ज़रूर। व्हेन वाज NGT इस्टेब्लिश, तो ये 2010 में इस्टेब्लिश, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है दोस्तों, ठीक है, यानी एक लॉ के तहत बनाया गया, ये कोई संविधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। 2010 में एक लॉ लाया गया था संसद के द्वारा जिसके तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश्ड। दोस्तों सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो पोल्यूशन पे निगरानी रखती है, उसे रेगुलेट करती है, उसके खिलाफ एक्शंस लेती है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो ये 1974 में, ठीक है। तो ये 1974 में वाटर एक्ट निकला था दोस्तों, याद रखिएगा, ये थोड़ा उठपटांग सा है, आपको याद रखने में दिक्कत होगा कि वाटर एक्ट से कैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना, पर यही सही है दोस्तों, ठीक है। वाटर एक्ट ने ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्योंकि कुछ एक्ट्स हैं इंडिया में, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये सब कुछ एक्ट है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटलीस्ट आपका ईयर्स, इसके ईयर्स तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? तो वो 1972 में बना था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये इसी एक्ट के तहत दोस्तों जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, आप लोगों ने सुना होगा, तो ये इस समय तो नहीं, पर ये बाद में 2005 के समय ऐड किया गया था, इसमें चेंज करने, तो इसी एक्ट के तहत बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसी एक्ट के तहत आप सुने होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितने भी हैं, नेशनल पार्क, सब इसी एक्ट के तहत बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है दोस्तों, ये भी आपने सुना होगा, ये भी इसी एक्ट के तहत बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज ब्रॉट इन, ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया? तो ये 2002 में आया था दोस्तों, ठीक है। तो एक आपको एक बात बता दूँ कि 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था उसके तहत कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक कन्वेंशन हुआ था, तो इसी के तहत इससे ठीक 10 साल बाद भारत ने भी एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किया था 2002 में, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किगाली अग्रीमेंट से, किगाली इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा, रवांडा एक अफ्रीकन देश है, तो किगाली अग्रीमेंट इज़ रिलेटेड टू, ये रिसेंटली हुआ है दोस्तों, ठीक है, 2019 के आसपास, 2019 में हुआ था। तो ये किससे रिलेटेड है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ठीक है। दोस्तों ओजोन लेयर से और भी कुछ महत्वपूर्ण आपको बातें याद रखना है, जैसे एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों, ये 1987 के आसपास हुआ था, मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा में, तो ये भी ओजोन लेयर से ही रिलेटेड है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा।
तो किगाली अग्रीमेंट वाज वन ऑफ द अमेंडमेंट्स टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो किगाली अग्रीमेंट जो है वो ओजोन लेयर से जुड़ा है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन जो एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है दोस्तों, ठीक है, ये मेंस के लिए आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो फर्स्ट UNFCCC का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, देखिए दोस्तों UNFCCC ये 1992 के रियो अर्थ समिट में बनाया गया था, तो इसके तहत कई सारे हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको COP कहते हैं वो होता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे आप देखते हैं ना पेरिस अग्रीमेंट आपने सुना होगा या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब UNFCCC के ही कॉप्स हैं, ठीक है। पेरिस अग्रीमेंट 2015 में हुआ था, क्योटो 1997 में हुआ था, तो आपको बताना फर्स्ट COP जो है वो कहाँ हुआ था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ था बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन में हुआ था। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो आता है कि विच सेशन ऑफ CMS, ठीक है, CMS क्या, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है, कन्वेंशन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, ये CMS है और ये बनाया गया था UNEP के द्वारा दोस्तों, ठीक है, UNEP ने बनाया था इसे, आई थिंक एग्जैक्टली तो याद नहीं पर 1982 के आसपास, आप अगर मैं गलत हूँ तो आप देख लीजिएगा, तो CMS हुआ था। तो CMS का कौन सा सेशन जो है वो इंडिया के गांधीनगर जो गुजरात में है, गुजरात का राजधानी गांधीनगर, 2020 का जो सत्र हुआ था, सेशन हुआ था CMS का, वो कौन सा सत्र था, ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13th, ठीक है, तो 13th सेशन ऑफ CMS वाज हेल्ड इन गांधीनगर 2020, ठीक है। और इसके बारे में एक और बात याद रखिए कि जो इसके जो एज अ इसके लिए जो ऑफिशियल बर्ड चुना गया था जिसे वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चुना गया था, ये इंडिया में ही पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान और गुजरात के डेजर्ट वाले इलाके हैं, सेमी एरिड इलाके हैं, वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है, बहुत खूबसूरत पक्षी है दोस्तों, तो इसे गिबी नाम दिया गया था, ठीक है, तो ये CMS का जो ऑफिशियल बर्ड था ये इसे माना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रीन हाउस गैस, तो ठीक है दोस्तों क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ग्रीन हाउस गैस का बहुत बात होते रहता है, तो इसमें पूछा है कौन सा ऐसा गैस है जो बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत कॉमन है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर पूछ दे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस में है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस में है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करने का, तो SF6 जो सल्फर फ्लोरोक्साइड होता है दोस्तों, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सॉरी, तो इसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, नमामि गंगा फॉर कंजर्वेशन ऑफ गंगा रिवर, गंगा माँ, तो ये जो है वो कब लॉन्च किया गया, ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, तो वो 2014 में लॉन्च किया गया था नमामि गंगे। और इंडिया में जो गंगा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जब जो आया था वो कब आया था, वो 2009 में आया था, ये आपको याद रखना होगा, झारखंड में कब आया था 2009 में, और ये नमामि गंगे अलग है दोस्तों, ठीक है, नहीं नमामि गंगे से इसे कंफ्यूज मत कीजिए, नमामि गंगे 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था मोदी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21, ठीक है, तो 21 यहाँ अर्थ है दोस्तों 21st सेंचुरी का, ये जब रखा गया था इसका नाम, और एजेंडा ऑफ द 21st सेंचुरी ये रिलेटेड था दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था ये वाला जो समिट था, तो ये कब अडॉप्ट किया गया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1992, ठीक है, 1992 में ही अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल में तीन इंपॉर्टेंट बात कही गई थी, पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरा था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा एमिशन ट्रेडिंग, ये तीन चीज़ जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था एज अ पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ UNFCCC, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि बॉन चैलेंज, ये चैलेंज है दोस्तों, देखिएगा ये कोई समिट या कन्वेंशन नहीं है, चैलेंज है, तो बॉन चैलेंज बहुत फेमस है, तो बॉन चैलेंज ये किससे रिलेटेड है, तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा,
UNCCD, ठीक है, CCD यानी कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो जो जो ये हो रहा है दोस्तों, मरुस्थलीयकरण, तो जो मरुस्थलीयकरण हो रहा है दोस्तों, ठीक है, यानी डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट यानी जो प्रोडक्टिव लैंड है वो डेजर्ट में तब्दील हो रहे हैं, क्यों, किस वजह से, तो वो क्लाइमेट चेंज के वजह से, ठीक है। तो UNCCD जो इसीलिए UNCCD कन्वेंशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो ये जो बॉन चैलेंज है, बॉन एक शहर है जर्मनी में, वहाँ ये चैलेंज रखा गया था कि देश भर में कि जितने भी नेशंस हैं जो इसके पार्टिसिपेंट हैं, एटलीस्ट 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इन्हें बचाना है बाई 2030 तक, ठीक है। तो ये बॉन चैलेंज था दोस्तों, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू UNCCD, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया। तो ये इजी क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट्स आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। कब हुआ था ये अगर पूछ दे तो ये 1972 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर एक जगह है दोस्तों ईरान में, यहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था, इसी के तहत रामसर कन्वेंशन। और ये क्यों बना, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेट लैंड्स, ये शब्द आपको याद रखना है, वेट लैंड्स, तो ये वेट लैंड के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। तो टोटल रामसर साइट्स कितने हैं अभी, तो 42 हो जाएंगे, रिसेंटली अभी कुछ ऐड किए गए हैं, तो टोटल अभी 42 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि विच इज़ द 51st टाइगर रिजर्व, ठीक है, 51st टाइगर रिजर्व जो है, अब तक कुल 50 थे दोस्तों, पर अब रिसेंटली एक नया 51 बनाया गया, तो वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेघामलाई, ठीक है। मेघामलाई इट इज़ सिचुएटेड इन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, तो नेशनल पार्क्स तो दोस्तों 100+ हैं इंडिया में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संख्या में नेशनल पार्क किस स्टेट ऑफ इंडिया में है, तो वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में और जान लीजिए कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स भी यहाँ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स भी यहाँ है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स भी मध्य प्रदेश में ही निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ही पता चलेगा कि हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लद्दाख में लोकेटेड है, ठीक है। दोस्तों J&K और जो लद्दाख है वो अक्सर न्यूज़ में रहा करता है, और लद्दाख का एकमात्र नेशनल पार्क जो है वो हेमिस नेशनल पार्क ही है, तो ये आपको याद रखना होगा, हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। नेक्स्ट है ओनली टाइगर रिजर्व टू गेट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस, ठीक है। तो ऐसा इकलौता टाइगर रिजर्व भारत में कौन सा है जिसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट से नवाजा गया है, तो मानस टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मानस कहाँ है दोस्तों, असम में, आपको स्टेट्स भी याद रखने हैं किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है, तो ये सब याद रखना है दोस्तों कि जैसे देख लीजिए बांदीपुर कहाँ है, ये कर्नाटका में है, मानस कहाँ है, असम में है, काजीरंगा असम में है। काजीरंगा क्यों फेमस है, ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वन हॉर्न राइनो जो है एकमात्र काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम में मिलता है। कई बार जब असम में दोस्तों फ्लड्स आते हैं, ठीक है, असम ऐसा जो स्टेट है जहाँ जो ब्रह्मपुत्र के प्लेन में लाइक करता है, ठीक है, जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है दोस्तों ये असम के ठीक बीचों बीच बहता है, तो इसमें जब कई बार फ्लड्स आते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क के वन हॉर्न राइनो का काफ़ी क्षति पहुंचता है, कई बार न्यूज़ में रहता है ये बात, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रैंथम्बोर ये कहाँ है, ये राजस्थान में है, रैंथम्बोर नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रेजेंटली इन इंडिया, तो इंडिया में अभी कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो वो हो जाएगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको 18 के नाम और उसके स्टेट्स, ये किस स्टेट में है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तक। और अगर ये किसके तहत, ये दोस्तों देखिए बायोस्फीयर रिजर्व ये कोई इंडिया के कोई एक्ट या कोई लेजिस्लेशन से नहीं बनाया गया है, बल्कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम निकला था 1971 में, ठीक है, 1971 में यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम निकला था, उसके तहत जो हर राज्य में कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि इको सेंसिटिव जोन्स, आपने सुना होगा कई बार ESZ, इको सेंसिटिव जोन्स आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ, ठीक है। दोस्तों एक आपको बात बताऊं कि पिछले साल का ये न्यूज़ था कि केरला जो कि एक दोस्तों ये आपको पता होगा केरला एक कोस्टल स्टेट है, ये केरला है, तो यहाँ पे दोस्तों जो इको सेंसिटिव जोन्स बनाया गया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये कोस्टल एरिया है, यहाँ समुद्री है, यहाँ समुद्र है, यहाँ लैंड है, तो ये काफ़ी
इकोलॉजिकली काफ़ी ये एक सेंसिटिव एरिया हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट्स भी आप देखिए, यहीं पे इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी बहुत यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन, कई सारे जो है दोस्तों बड़े बड़े वो अपार्टमेंट्स एंड फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा गया कि ये इको सेंसिटिव जोन्स के खिलाफ जा रहा है, तो ये इसे डिमोलिश कर दिया गया था बाद में, ठीक है। तो बहुत बड़ा लॉस हुआ था जो कंस्ट्रक्टर बिजनेसमैन थे यहाँ के। तो ये है दोस्तों पावर हमारे भारत के सरकार के, अगर वो चाह ले कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बात है, तो इको सेंसिटिव जोन्स है वो किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके तहत जो है इको सेंसिटिव जोन्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो और भी बन सकते थे दोस्तों, पर अभी तक मैं आपके लिए इतना ही ला पाया हूँ, और कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोस में और भी क्वेश्चंस ला पाऊँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, ये हर बार की तरह आपके लिए एक और क्वेश्चन आज मैं लाया हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बेरूत में जो केमिकल ब्लास्ट हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा 2020 में बहुत बड़ा घटना बना था। बेरूत दोस्तों लेबनान की राजधानी है, लेबनान, तो लेबनान के जो बेरूत शहर है वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था 2020 में, तो वो कौन सा केमिकल उसमें इजेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आप जवाब दीजिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।